मोकामा के शेल्टर होम से सात लड़कियों के फरार होने के बाद मचे प्रशासनिक कोहराम के बाद उनकी बरामदगी कर ली गई है। फरार लड़कियों को दरभंगा से बरामद किया गया है। एएसपी लीपी सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की गई। जांच के दौरान लड़कियों के दरभंगा की तरफ जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दरभंगा सकतपुर गांव से हिरासत में ले लिया है। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं शेल्टर होम के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। महिला पुलिस जवानों के द्वारा लगातार गश्ती की जा रही है, साथ ही बरामद सभी लड़कियों को पूछताछ के लिए पटना ले जाया गया है। फिलहाल मोकामा में सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।